हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. सो माय नेम इज़ नुशाबा. आई एम इन फोर्थ ईयर MBBS राइट नाउ. सो आई एम इन सर्बिया राइट नाउ. तो आप लोग, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रैगोजेविक के बारे में. तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ क्रैगोजेविक की मेन बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं. यह यूनिवर्सिटी ऑफ क्रैगोजेविक की मेन बिल्डिंग, जहाँ पे सारे लेक्चर्स एंड सारे डॉक्यूमेंटेशंस होती है. लाइक डॉक्यूमेंट्स ये लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं. वो लेक्चर्स मेनली यहीं पे रखते हैं. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइनल, सारे ईयर्स की यहीं पे लगती है. सारे कंट्री के बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होती है. सो यूनिवर्सिटी की मेनली डॉक्यूमेंटेशन के लिए तीन बिल्डिंग है. एक ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे लेक्चर्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है. यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे रेक्टोरेट की बिल्डिंग है. वहाँ पे अगर आपको रेक्टर से मिलना हो, डीन से मिलना हो, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. या फिर जैसे हम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, तो ट्रांसफर स्टूडेंट्स का फाइन वगैरह जो भी था, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, रिलेशन वगैरह, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन उस बिल्डिंग से होती है. इस बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर की जितनी काम है सारे इस बिल्डिंग से होती है. सो यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो अंडर 1000 है ऑल वर्ल्ड में. यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग है 977, एंड जो यूरोप की रैंकिंग है वो अंडर 400 है, लाइक 377 यूरोप के अंदर रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की. तो अब ये यूनिवर्सिटी की बैक साइड, ये हो गया फ्रंट गेट है यूनिवर्सिटी की, और ये साइड की व्यू है. लाइक जिसके पास कार है वो पार्किंग के लिए यहाँ पे आ सकते हो. एंड वो ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड एरिया है. देखो तो यूनिवर्सिटी की इस साल की जो फीस रही है वो 5000 यूरो कॉलेज की फीस है. लाइक इंडियन करेंसी में आप देखोगे तो 8,30,000-35,000 के आसपास है. कॉलेज की फीस जो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आप दे सकते हो. एक 6 महीना में एक सेमेस्टर होता है. एक सेमेस्टर में 2500-2500 यूरो करके आप सेमेस्टर की फीस भर सकते हो. इवन इंडिया से भी आप फीस पे कर सकते हो. एकोमोडेशन की अगर बात करें तो देखो यूनिवर्सिटी का कोई पर्सनल हॉस्टल है नहीं, इंडियंस के लिए तो नहीं है. बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा था, लाइक कोई कह रहा है 300 यूरो की है अपार्टमेंट, कोई कह रहा है 1000 यूरो की है. हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारा 2 BHK का अपार्टमेंट है, और ये हमें 400 यूरो में मिला है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बिल, इंक्लूडिंग वाईफाई, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. ये आपको उसके अंदर सब चीज़ इंक्लूड है. आपको अलग से इलेक्ट्रिक बिल भी पे नहीं करना है. जैसे पहले मैं यूक्रेन में थी तो यूक्रेन में अलग से हमें पे करना पड़ता था. फिर सब चीज़ें इंक्लूड है. अगर आपको 1 BHK चाहिए तो आपके बहुत ढूंढने पे 150 का भी अपार्टमेंट मिल जाता है, 110 का भी मिल जाता है, 100 का भी मिल जाता है. ये डिपेंड करता है कि आप अपने अपार्टमेंट लेते कहाँ हो. तो फीस का ये हो गया. फीस का देखो अब तक तो यही फीस है. और एक बहुत सारे लोगों का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि फीस जैसे बढ़ रही है, जो बच्चा जिस साल आ रहा है उसका वो फिर 6 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो एडमिशन का प्रोसेस जैसे हम लोगों का हुआ था, फर्स्ट ईयर वालों का जैसे हुआ है, लाइक सबसे पहले तो क्या करती है यूनिवर्सिटी में, आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते, वेरीफाइड करने के बाद आपको एक प्री एडमिशन लेटर देते हैं. प्री एडमिशन लेटर के बाद फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है. इनका एग्जाम होता है इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑनलाइन इंडिया से ही होता है. देने के बाद आपकी इंटरव्यू होती है. इंटरव्यू आपको प्रॉपर क्लियर करना पड़ता है. टीचर से आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है. तो जैसे आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है, आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है. कंफर्मेशन लेटर मिलने के 2-3 दिन बाद ये आपको इनवॉइस भेज देती है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होके आप सब चीज़ में पास हो चुके हो. आपको अब इंडिया से कॉलेज की फीस भेजना पड़ता है. तो इनकी जो एक सेमेस्टर की फीस है 2500 यूरो कॉलेज की फीस है. तो फीस आपको इंडिया से ही पे करना है. वो प्रॉपर इनवॉइस बना के देंगे आपके नाम से. उस इनवॉइस को आपको देख के प्रॉपर फीस पे करना है. फीस पे करने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है. इन्विटेशन लेटर आने का मतलब ये हो गया कि आपका सब चीज़ ओके है, वो आप आ सकते हो. तो बिना इनविटेशन लेटर का आपका वीज़ा भी नहीं लग सकता. उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वीज़ा अप्लाई होता है इंडिया में. वीज़ा एप्लीकेशन के बाद तो इस साल तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है वीज़ा में, लाइक 2-2.5 महीना लग गया, क्योंकि स्टाफ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी इंडिया में. तो मोस्टली जो मेरे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स थे उनका 15-20 दिन में वीज़ा ईजिली आ गया था. डिपेंड करता है, आराम से वीज़ा आ गया, आने के बाद आप फ्लाई कर सकते हो. तो टोटल ये प्रोसेस है. सबसे पहले तो आपका प्री एडमिशन लेटर आता है, फिर एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद फिर कंफर्मेशन लेटर आता है, उसके बाद फिर इनविटेशन, उसके बाद फिर वीज़ा. ये पूरा प्रोसेस है आने का. फ्लाइट टिकट भी डिपेंड करता है. देखो आप अगर जैसे लाइक ट्रेन की टिकट हम लेते हैं, अगर हम तत्काल लेते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है. वैसे जैसे फ्लाइट अगर आप 4 आवर्स पहले ले रहे हो तो फ्लाइट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. अगर आप फ्लाइट पहले से बुक करके रख रहे हो, प्री प्लान्ड है चीज़ें, तो फ्लाइट आपको इजीली 3000 के आसपास वो साइड का मिल जाता है. पर अगर जैसे आप बिल्कुल तुरंत तो सिर्फ 35,000-30,000 का तो आपका वन वे का होता है. ये हो गया आपका फ्लाइट का. सेकंड थिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए. एडमिशन के लिए आपको अपना क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपका पासपोर्ट. बस नीट उनके लिए मैंडेटरी है जिनको इंडिया में जाके वापस काम करना. कभी ऐसी नहीं है जैसे इस साल आप क्वालिफाइड नहीं हो, लास्ट ईयर आप क्वालिफाइड थे, उस नीट के स्कोर के बेस पे आप इस साल एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि अब्रॉड में 3 साल तक नीट का स्कोर कार्ड वैलिड रहता है. ये रही पूरी यूनिवर्सिटी की एडमिशन का प्रोसेस एंड आपका क्या ऑर्गेनाइज है, चाहे WHO से हो,
चाहे NMCO असेंबली हो, प्लैब हो, आपका बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ है, यहाँ से सर्वे यूरोप का पार्ट है तो आप इजीली यहाँ से यूरोप शिफ्ट हो सकते हो, पीजी के लिए हो सकता है। और एक यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का मामला रहता है, लाइक आपको जो समर वेकेशन मिलता है 3 महीने की यहाँ छुट्टी रहती है, जून जुलाई अगस्त, इन टाइम पीरियड में अगर आपको टीचर्स बोलते हैं एक पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए, अगर आपके पास वो लिमिटेड पॉइंट्स है तो आप इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री 3 महीने के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए जा सकते हो। लाइक अगर आपको जर्मन जाना है तो इनको 28-30 पॉइंट्स चाहिए 3 महीने के लिए, आप जर्मन जा सकते हो, वहाँ के क्लिनिकल ये प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ के हॉस्पिटलिटी के एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसे आपको इटली जाना हो, फ्रांस जाना हो, बल्गेरिया जाना हो, तो उसके लिए भी आप इजीली लाइक 15 or 10 पॉइंट्स उसके लिए भी चाहिए। प्रॉपर सेमिनार्स वगैरह आपका अटेंड करना पड़ता है, आपको एक स्कोर गेन करना पड़ता है, स्कोर गेन करके आप उस कंट्री में भी 3 महीने के लिए जाके आप अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो वहाँ जाके। इरास्मस प्रोग्राम होता है यूरोप में, उसके लिए आप एलिजिबल हो, यूनिवर्सिटी के साइट में वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि कौन से कोर्स के लिए, कौन से यूनिवर्सिटी इरास्मस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड थिंग है, यूनिवर्सिटी में देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जैसे सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़ाई जाती है इन्हें तो है ही, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप इजिली पास हो जाओगे। बात आई क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, थर्ड ईयर के बाद आप हॉस्पिटल जाना आराम से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे खुद फोर्थ ईयर में हूँ, मेरा फोर्थ ईयर हाफ कंप्लीट हो चुका है, इवन अभी मैं प्रॉपर हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, इवन टीचर्स को प्रॉपर इंग्लिश आती है, मतलब और सारे कंट्री में जैसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज होता है, यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज है बट यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी है, पेशेंट्स है, टीचर्स है, सबको इंग्लिश आती है। यहाँ पे ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक ग्रुप में 5 से 6 लोग रहते हैं, इससे 6 लोग एक एक टाइम पे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। प्रॉपर मेरी इंटरनल मेडिसिन है तो इंटरनल मेडिसिन के लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेगी 4 घंटे के लिए, यहाँ पे लेक्चर होती है इस बिल्डिंग में। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी दूसरी जो इनका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इनका फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होती है। कार्डियो के लिए अलग वहाँ डिपार्टमेंट है, पल्मों के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सर्जरी का अलग डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स के अलग डिपार्टमेंट है, इनके पूरे हॉस्पिटल ही अलग अलग है हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है अकॉर्डिंग टू, मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमें इंडिया के सीख नहीं पाते, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। और स्टडी मीडियम जो यहाँ का इंग्लिश है, प्रॉपर इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाई होती है, चाहो तो सर्बियन लैंग्वेज सीख सकते हो, ये आपकी मर्जी, यूनिवर्सिटी आपको लाइसेंस देती है इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, एंड सर्बियन लोकल लैंग्वेज में भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा NMC के रूल के अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स आई है इंडिया में। होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।